नमो ऐप वर्चुअल मीट में हमारे आज के अतिथि अपने विशिष्ट अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सहजता से बड़ी ही गंभीर बातों को कह जाना, बड़ी ही सरलता से गंभीर मुद्दों को आपके समक्ष रख देना, यह उनकी एक चारित्रिक विशेषता है जिसका उदाहरण उनके एक गीत में आप देख सकते हैं, जहां उन्होंने न केवल लिट्टी चोखा का गुणगान किया बल्कि वह कैसे बनती है तथा उसके भावनात्मक पहलू पर भी प्रकाश डालकर लाखों करोड़ों लोगों में लिट्टी चोखा की ब्रांडिंग कर डाली। समय चाहे कितना भी तनावपूर्ण हो, चैलेंजिंग हो, उनके चेहरे की मुस्कान सदा बनी रहती है, जिससे उनके साथ में जो होते हैं या उन्हें जो देख रहे होते हैं उन्हें भी आशा और बल प्राप्त होता है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद माननीय मनोज तिवारी जी की। बिहार के कैमूर जिले में स्थित भभुआ के अतरवलिया गाँव के निवासी स्वर्गीय चंद्रदेव तिवारी जी तथा श्रीमती ललिता जी के घर 1 फरवरी 1971 को मनोज तिवारी जी का जन्म हुआ। मनोज तिवारी जी को संगीत तथा शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना विरासत में मिला। बालपन से ही वह गांव में भी अनेक कार्यक्रमों में निरंतर भाग लेते रहते थे। 1985 में सेवा निकेतन उच्च विद्यालय बरहली भभुआ से हाईस्कूल प्राप्त करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मनोज जी काशी आ गए। वहाँ आदर्श सेवा विद्यालय से इंटर तथा बाद में BHU से स्नातक और BPED व MPED किया। एक बहुत छोटी आयु में पिता का साया सर पर ना रहने के बावजूद भी मनोज तिवारी जी ने निरंतर अपनी कर्मनिष्ठा व ध्येय निष्ठा से हर क्षेत्र में एक विशेष पहचान बनाई है। चाहे वह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान हो या फिर बरसों के अपने संघर्ष के बाद कला के क्षेत्र में, फिल्मी जगत या राजनीति में हो, मनोज तिवारी जी ना केवल पूर्वांचल को बल्कि भोजपुरी को भी एक विशिष्ट पहचान दिलाने में सफल रहे हैं। पूर्वांचल की संस्कृति से पूरे देश को, पूरे विश्व को अवगत कराया है मनोज तिवारी जी ने। इस प्रयास में वह निरंतर आज तक लगे हैं। 2014 में, 2019 में तथा दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जनता में एक राजनेता के रूप में उनकी स्वीकार्यता विभिन्न चुनावों में दिखी। तो आइए मिलते हैं मनोज तिवारी जी से नमो ऐप वर्चुअल मीट के संसदीय देशाटन श्रृंखला के आज के एपिसोड में।